है अमिताभ बच्चन जी का घर, और उसके सामने ताज होटल। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने, और आज हम जाएंगे मुंबई की लोकल ट्रेन से, जिसका किराया सिर्फ 30 रुपीज़ है। सो 60 रुपीज़ में हमारा आने जाने दोनों का हो गया था, तो हमने एक ही बार में टिकट ले ली थी। अब हम किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। एक टिकट हमने ऑनलाइन भी ली थी। सो अब चलते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन की ओर। तो गाइज, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चर्च गेट। और हमने बोरीवली से टिकट ली है, और अभी हम चर्च गेट जा रहे हैं। चर्च गेट में जाके पहुँच के आपको दिखाते हैं। मेन हम आ जाते हैं ना, पहले सबसे पहले हम मार्केट जाएंगे, मरीन ड्राइव जाएंगे। सबसे पहले मरीन ड्राइव चलेंगे, उसके बाद उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, और उसके बाद कोलकाता। है मुंबई की लोकल ट्रेन। तो गाइस, हम आ गए हैं चर्च गेट। हम चर्च गेट पे उतरे हैं बोरीवली से। बेसिकली चर्च गेट बहुत ज़्यादा पुराना स्टेशन है, तो ये साउथ बॉम्बे में है। तो यहाँ से आप मरीन ड्राइव्स के लिए इजीली पैदल जा सकते हैं। फिर वहाँ से मरीन ड्राइव्स होके हम सोच रहे हैं कि वहाँ से टैक्सी करके गेटवे ऑफ इंडिया हम ताज जाएंगे, एंड फेरी राइड भी लेने का सोच रहे हैं, अगर टाइम हमारे पास हुआ। गाइस, हम मरीन ड्राइव तक ना वॉकिंग पे ही जा रहे हैं, तो ना रास्ते में हमें बहुत सारे फूड कोर्ट दिखे। सो अगर आपको फूड वगैरह के लिए आना है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैफे हैं। सो गाइस, वैसे तो हम ना कल आए थे, और बट हम नाइट में आए थे, और अब है ये डेब्यू। ये देखिए, अब ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि यहाँ से नीचे जाके फोटो खिंचवाने की। वो देखिए पुलिस वाले अंकल। और ये लड़की पोज मारने में लगी हुई है। मरीन ड्राइव पे बहुत सारा फोटो सेशन और वीडियो शूट। सो अगर आपको वीडियो और फोटोज देखनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ देख सकते हैं। इंस्टाग्राम भी सेम ही पेज है, गीतांजलि_बिस्ट13। और अब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। सो यहाँ से हम टैक्सी करेंगे। एक चीज़ और मुझे यहाँ की अच्छी लगी कि ना, जैसे दिल्ली में क्या है कि हमें बार्गेन कराना पड़ता है ऑटो वगैरह के लिए, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने कुछ भी चौचलेबाजी नहीं होती, सिर्फ सीधा आप बैठिए ऑटो में, और जितना आपका फेयर हुआ है दीजिए। सो गाइस, वो है क्रूज, और ये बोटिंग इस तरह से कर सकते हैं आप, क्रूज। और सामने गेटवे ऑफ इंडिया, और उसके जस्ट सामने है ये ताज होटल। सामने लिया है खीरा, हाइड्रेटेड। और देखिए यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, हमने लिया है ये। इसमें देखिए इतने सारे फ्रूट्स मिले हैं, 20 रुपीज़। हम अंदर आ गए, और अंदर क्या तगड़ी भीड़ हो रही है ना, तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली के सदर बाजार से भी बुरा हाल है अंदर। सो अब हम टिकट वगैरह ले लेते हैं। सो गाइस, ये हमारी बोट की टिकट, फेरी की टिकट, और ये है 80 रुपीज़ की पर पर्सन। सो अब हम जा रहे हैं फेरी के लिए। पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। कहाँ पिक्चर्स ले और कहाँ से शूट करें कुछ समझ।
सो गाइज हमने बहुत सारे पिक्चर्स ली यहाँ पर, ताज होटल के व्यू में भी ले ली और गेटवे ऑफ इंडिया पे भी ले ली, और अब हम जा रहे हैं कोलाबा मार्केट की ओर। सो गाइज हम खा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएगी फिर ये? साउथ मुंबई। अभी हम हैं डबल डेकर में और ये एक घंटे में हमें बहुत सारी जगह घुमाने वाली है, पूरा साउथ बॉम्बे। हाँ, साउथ बॉम्बे घुमाने वाली है एक घंटे में। और टिकट प्राइस क्या है? 150 ना, टिकट प्राइस है 150। गेटवे ऑफ इंडिया का क्राउड कितना क्राउड है, ये देखिए आप क्राउड है। हमें जाना है अंधेरी जुहू बीच के लिए, तो यहाँ से अब ट्रेन करेंगे। टिकट हमने ना रिटर्न की और मतलब आने जाने की दोनों की कर ली थी, तो अब हमें सिर्फ ट्रेन का टाइमिंग देखना है और बस जाना है। सो गाइज हम अंधेरी से पहले वाले स्टेशन पे उतरे थे, क्या नाम था उसका? विले पार्ले, और वहाँ से हमने ऑटो किया है जुहू चौपाटी के लिए। तो अब जुहू चौपाटी पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये है अमिताभ बच्चन जी का घर और देखिए कितना ज़्यादा रश हो रहा है, होगा इसलिए अंकल ने मना कर दिया था पहले ही। हमने जुहू बीच में एंटर कर लिया है और क्राउड देख सकते हैं आप कितना भयंकर क्राउड है। इतनी भीड़, हमें भी संडे का दिन ही चूज करना था आने के लिए। बच्चे यहाँ अपना घर बना रहे हैं। गाइस मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बीच पर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये क्या बना के रहे हो? पर क्या हुआ सीवी? क्या हुआ? वाओ यार, ये क्या? गाइस यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा मस्त है। ये है इडली इतनी मस्त, ये है वड़ा और ये रहा भुट्टा। ये करेंगे, बोटिंग करेंगे। देखो लॉन्ग जंप का, लॉन्ग जंप देखो। Thank you.
और वो जो अरे लॉन्ग जम्प नहीं फ्लिप। अभी पता नहीं वीडियो शूट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप हो जाओ गया वो बोट राइडिंग में। और सीरियसली इतने मजेदार थी और मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया जुहू बीच पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे अच्छा आपको टूरिस्ट प्लेस कौन सा लगता है। वैसे मुझे तो सबसे मस्त यही लगा, वाओ नाइट व्यू ऑफ जुहू बीच, बेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई। सो गाइज अभी तक मैं जहाँ भी घूमी हूँ सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा जुहू बीच, और जुहू बीच तो फेमस है ही मुंबई में। जुहू चौपाटी में फूड कोर्ट के साथ साथ इस तरह का डेकोरेटिव मटेरियल भी मिल जाता है। सो गाइज हमारे दिल्ली में सब कुछ मिलता है इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। कल की तरह बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, कपड़े चेंज कर लिए हैं आके और अब डिनर करेंगे। अभी हम डिनर में ये कर रहे हैं एज अ स्नैक्स, खाना भी खाएंगे रोटी सब्जी क्योंकि इतने में पेट नहीं भरेगा। सो गाइज सबने डिनर कर लिया है और ये बच्चा पार्टी यहाँ खेल रहे हैं। सो गाइज अब आज के व्लॉग का यही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शिवू कम है आप देखो शिवू एप्पल को मत तोड़ देना।